नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं मंडल प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। साई क्लिनिक एवं नगर निगम वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क COVID-19 टीकाकरण का आयोजन संपन्न। बता दें कि आज वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत नदीसर क्षेत्र स्थित साई बाबा मंदिर पर साई क्लिनिक एवं नगर निगम वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में नगर निगम वरुड़ा पार के जोनल अधिकारी PK द्विवेदी के नेतृत्व में वृहद टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम वर्ष ज्यादा के लोगों को पहला व दूसरा डोज लगाया गया तथा फ्रंट लाइन वर्करों एवं 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अविनाश सिंह, अखिलेश सिंह, संजय राय, विवेक कुमार श्रीवास्तव, मीनू यादव, लक्ष्मी चौरसिया, सुधीर कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। सर, वहाँ हमको ऐसा काम मिला है, वेरीफाई कंटिन्यू हमारा 10 से लेकर 4 बजे तक मोबाइल पर ड्यूटी है। प्रतिनिधिमंडल नागरिक सुरक्षा। अखिलेश जी, आज किस तरह कैंप लगाया गया है? आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संदेश था कि सबको घर घर कोविड का इंजेक्शन लगे, इसी के सिलसिले में आज नागरिक सुरक्षा कलेक्टर प्रखंड एवं नगर निगम के सौजन्य से आज हमने साई मंदिर पर एक वृहद कैंप लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको नागरिक सुरक्षा ने और नगर निगम के जोनल अधिकारी PK द्विवेदी ने स्वीकार किया और यहाँ पे एक वृहद कैंप लगाया गया। अब तक कितने लोगों ने टीका लगा लिया है और कितनों का लक्ष्य है? आज लक्ष्य तो कम से कम 400-500 लोगों का है। अब तक 100 लोगों ने टीकाकरण यहाँ पर कराया है और यहाँ पर प्रथम डोज, द्वितीय डोज और बूस्टर तीनों डोज आज यहाँ पर लोग ले रहे हैं और बहुत ही उत्साह है। लोग खुद अपने से आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मतलब जिससे उत्सव ऐसा माहौल कि हमारे देश से ही कोरोना रूपी जो एक मानव दानव आया हुआ है यहाँ से जल्द भागे और सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मास्क का प्रयोग करें।